शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। इस बात को हमेशा अपनी बुद्धि में धारण करके रखे कि सेवा केंद्र पर जो सामने यहां बैठी है ये सब कौन है, कौन है? सभी मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वही है, शक्ति स्वरूपिना यही है, ये वही आत्माएं हैं जिन्होंने पवित्रता के व्रत को धारण किया है। क्या इनके त्याग के पीछे आगे संसार का कोई त्याग है? क्या इस जीवन को चुनना संसार का सबसे श्रेष्ठ जीवन नहीं? अपना वचन याद रखना, ऐसी अनटच्ड प्यूरिटी जिन्होंने अपने जीवन में धारण की है, क्या बहुत शक्ति असाधारण हो सकती है? संसार की सभी स्त्रियां एक तरफ और एक ब्रह्मा कुमारी एक तरफ, क्या इतना आदर, क्या इतना सम्मान उनके प्रति है? क्या हमारी दृष्टि इतनी ऊंची है या हम ये समझते हैं ये छोटी है, या हम ये समझते हैं इनके पास अनुभव कम है, या हम ये समझते हैं इसे संसार का ज्ञान नहीं है? कहीं हमारी ऐसी दृष्टि तो नहीं? क्या ये समझते हैं ये पढ़ी लिखी कम है? उनको निमित्त किसने बनाया? इस संसार में भगवान आया, उसने यज्ञ रचा और उस अपने यज्ञ में जिनको निमित्त बनाया वह ये है, इसलिए उनको साधारण नहीं समझना। यज्ञ की वेदी पर अपने यौवन को समर्पित करने वाली क्या साधारण हो सकती है? संपूर्ण जीवन स्वाहा करने वाली यह वही अर्पिता, समर्पिता और निवेदिता है। इनके प्रति हमारी कौन सी दृष्टि है? यदि हम भूल गए हैं तो फिर से रिवाइज कराए स्वयं को। जो मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वही यह है, चाहे वो कैसे भी हो, परंतु इस श्रेष्ठ जीवन को चुना है, इस महान जीवन को चुना है, पग पग पर झुक झुक सिक सिक मरमर यह पाठ है। सरेंडर अर्थात सर अंडर। और हम जो संसार में बैठे हैं, जो संसार के भोग विलास में लिप्त है, क्या इनकी दिव्यता को जान पाएंगे, समझ पाएंगे? इसके लिए सभी कुमार, सभी अधर कुमार सावधान। दूसरी तरफ माताएं हैं। माताएं क्या समझती है कौन बैठी है सामने? कौन बैठी है? यह समझती है हम इनसे अधिक होशियार हैं, हम ज्यादा पढ़ी लिखी है। कोई कुमारिया है यहां या जो सर्विस करती है या जो पैसे कमाते हैं? ये कभी ना समझना। एक ब्रह्मा कुमारी का जीवन जो है वो त्यागमय जीवन है, पग पग पर समर्पण है।
अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ यज्ञ के लिए है। यदि इनकी भी यदि सेवा की जाए केवल, तो भी महान पुण्य में गिने जाएगा। तो ऐसी इस यज्ञ की सभी बहनें, इस यज्ञ की सभी टीचर्स, इस संसार की सर्व महान आत्माएं हैं। सफेद साड़ी पहनी हो, जटाएं खुली हो, तुम हो राज ऋषि। स्वामी विवेकानंद ने एक बार अपने एक प्रवचन में कहा था, विदेश में, उनकी मृत्यु हुई 1902 में, बाबा आए 1936 में, एक भविष्यवाणी की थी, अ टाइम विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड अक्रॉस। एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्म संदेश फैलाएगी। ये वही आत्माएं हैं, जन्म जन्म की तपस्वी आत्माएं, जिन्होंने संपूर्ण पवित्रता का व्रत, अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, अपने धन कमाने की क्षमता को थोड़ा बाजू रखो। अगर चाहते तो जो यहां बैठे हैं संसार में, वो भी बहुत धन कमा सकते थे, क्या नहीं कमा सकते थे? वो भी बहुत पढ़ाई कर सकते थे और लौकिक डिग्रियां प्राप्त कर सकते थे, परंतु किसके लिए सब कुछ छोड़ दिया? एक सेंटर में रहना एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या। इसलिए ये संकल्प करो सभी कि आज से, हमारे मुख से, किसी भी बहन के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं निकलेगा, एक भी टिका नहीं, एक भी टिप्पणी नहीं, और उनके प्रति संपूर्ण आज्ञाकारिता का भाव होगा। हमको ये लगता भी है कभी कभी ये स्वार्थी है, परंतु देखो उनको किस लिए वो कर रही है सब। स्वार्थ में भी विश्व कल्याण समाया हुआ है। क्या अपने लिए कर रही है? जो कुछ भी है सब कुछ इस यज्ञ अर्थ है। जो कुछ भी है एक ही आंतरिक अंतस में शुभ भावना है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्यों ये अमृत सरोवर बना है? असंख्य आत्माओं की सेवा हो, जो हमने पाया है सब पाए, सबको अनुभव हो। क्या यही विशुद्ध संकल्प नहीं है? इसलिए इस पहली धारणा को मजबूत करना है।
दादी प्यारी दादी ने तो आपको जो भी समझाती है तो दादी परी हर बात को गुयराज से ले जाती है, तो पर मत मन मत समझ। तो आज हम देख रहे हैं कि ये आज हमारा क्लास जो सब प्यारे बाबा के वो बच्चे बैठे हो जिन्हों के बुद्धि में है कि हम सभी मधुबन वासियाँ है। मधुबन वासी माना
मधुबन निवासी माना सरेंडर समर्पण। अब सरेंडर की सूक्ष्म भाषा आप हर एक अच्छी तरह से जानते हो समझते हो, क्योंकि समर्पण होना और समर्पण में अपनी सूक्ष्म संकल्प मन वचन कर्म ये अपने को रोज बहुत सूक्ष्मता से चेक करना है कि हम समर्पण है बाबा को। समर्पण में न तो मनमत चाहिए न परमत चाहिए, परंतु समर्पण माना जो बाबा की श्रीमत है कदम कदम ये चेक रखना कि हम बाबा के श्रीमत पर हम सूक्ष्म ते सूक्ष्म चलते हैं। जैसे कभी कहते हमारे व्यर्थ संकल्प चलते, जब कभी हम ये सुनती तो कहती तू समर्पण हो संकल्प भी तुम्हारे एक बिल्कुल श्रेष्ठ हो नक व्यर्थ, क्योंकि समर्पण माना समरत संकल्प। तो जब संकल्प भी समरत हो तो स्थिति भी हमारी इतनी ही ऊंची समर्पण हो सके, जिसमें ये कभी नहीं सोचो न सोचो परंतु कभी ये सूक्ष्म में भी संकल्प न आवे जो ये कहो बाबा मेरे पास माया बहुत आती। अब जानते हो ये माया है और जानने वाला हुआ नॉलेजफुल, और नॉलेजफुल कहे मेरे पास में माया आती तो ये तो समर्पण नहीं हुए। हम सभी का रिकॉर्ड हो समर्पण माना संकल्प भी माया जीत के हो। हरे खुद से पूछे मैं माया जीत हूं या माया के बस होता हूँ, माया बहुत आती। अगर माया आती है
तो फिर बाबा के समर्पण कैसे है। दूसरा, समर्पित माना कि हमारा कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति को जानने वाले। तो जब कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति को जानते तो जानने वाले अर्थात विजय, जानने वाला कहे मेरे से ये आज विक्रम हो गया, भूल हो गई, तो उस विक्रम का भूल का कितना बड़ा दंड हो जाता है। जिस पर कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा को एक भूल का 100 गुना दंड पड़ जाता है। ज्ञानी तू आत्मा, तो सब हम बैठे हैं समर्पण अर्थात श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत अर्थात सदा ये याद रहे कि हम तो निमित्त मात्र हूं, करने कराने वाला बाबा है। निमित्त मात्र की स्थिति बहुत बहुत अपने को सहज सेफ्टी में रखती माया से। जैसे बाबा कहा निरहंकारी, तो निमित्त मात्र प्रैक्टिकल में देखेंगे वो सहज निरहंकारी स्थिति का अनुभव करता है। निमित्त शब्द ही, निमित्त भाव ही, निमित्त का अर्थ हुई अहम विजय अर्थात निरंकार। मैं खत्म हो जाती बाबा 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 आता। तो जहां बाबा बाबा आता वहां हर कर्म सहज अकर्म हो जाता। जहां अहम आता वहां कर्म का खाता बनता। परंतु जब कह दिया बाबा तो करने कराने वाला बाबा हुआ निमित्त हमें। तो जो कर्मों का हिसाब लेना देना है वो चुक्त हो जाता। इसलिए इसका नाम है समर्पण। न कोई कर्म मेरा है न मैं करता, बाबा कराता है, जो बाबा कहे सो कर। तो जब बाबा कराता है तो फिर जो बीच में कहा माया आती वह माया खत्म हो जाती। तो कई पूछते हैं व्यर्थ संकल्प बहुत आता क्या करूं,
तो हम पहले उनको कहते पूछो अपने से, मैं समर्पण हूं। जब हूं ही समर्पण तो मेरे पास माया के संकल्प विकल्प भी क्यों आवे जो कर्म में आओ। तो न कर्म होगा न विकर्म होगा न माया आएंगी, और सहज माया जीत बना। माया जीत बनने का ही नाम है मधुबनवासी। सुना क्या? माया जीत का नाम है मधुबनवासी। अगर माया जीत नहीं बने तो मधुबनवासी नहीं हो। मधुबनवासी माना ही समर्पित। ऐसे माया जीत रहने वाला सदा अपने कर्म से दूसरों को भी प्रेरणा देगा, क्योंकि उनको ये ध्यान है जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे करेंगे। एक एक मधुबनवासी अगर हम सोचूं, एक निमित्त है बाबा के हजार बच्चों को अपने धारणा से प्रेरणा देने का। अगर दूसरे को प्रेरणा मिले तो मधुबनवासी समझो। अगर अभी भी माया है तो वो खुद का भी दोषी बनता, तो दूसरों को भी जो हमें देख दूसरे ने भी ऐसा कर्म किया तो उनका भी डबल दोषी बनता। इसलिए हम आप सबको, चाहे आज मधुबन में हो कि ज्ञान सरोवर में हो कि हॉस्पिटल, जो भी बाबा के सेवा पर हो, चाहे मधुबन के पड़ोसी कॉलोनी में हो, चाहे सेवाओं में हो, परंतु एक एक जिम्मेदार हो अनेकों को प्रेरणा देने के। तो बाबा कहता है, आज हम क्लास ही इसलिए रखा है कि बाबा ने हमें काम दिया है, माया जीत बनने के लिए, कि निराकारी स्थिति बनाओ। अच्छा चलो निराकारी स्थिति में चलो। तो बाबा ने हमें कहा है कि बच्चे पहला कहा निराकारी बनो, फिर निराकारी, फिर निर्विकारी। तो हर एक को
अगर मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, तो कर्मातीत बनने के लिए हमें निराकारी स्थिति की बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि निराकारी स्थिति ही हमारे को सहज कर्मातीत बनाएंगे। निराकारी स्थिति के अंदर हमारे तीन बड़े का राज है। एक तो निराकारी स्थिति स्वयं के भी संस्कारों पर सहज विजयी होती है, दूसरा हमारी निराकारी स्थिति बने तो दूसरों को वायुमंडल में, वातावरण में भी शांति की शक्ति फैलाएगी। तीसरा, निराकारी स्थिति ही हमें संपूर्ण, जो बाबा कहा निर्विकारी बनो वो बनाएगी। तब कहा कि ये स्थिति कर्म विकर्म पर विजय प्राप्त करा के अकर्मी बनाती। तो हमें सभी को, अगर बाबा को अपने को मधुबन वासी समझते तो ये बाबा को आप अपने स्थिति का रिकॉर्ड दियो कि बाबा हमने व्यर्थ संकल्पों पर भी विजय पाई है। ये नहीं बाबा पुरुषार्थ तो करती हूँ, व्यर्थ संकल्प के पर बहुत आते, अगर ऐसी स्थिति है तो मधुबनवासी नहीं, माना समर्पण नहीं, तो श्री मत पर नहीं, मन मत पर है। इसलिए चाहे हम इतना भी कहे, जब पक्का निश्चय है कि हमें बाबा मिला है तो निश्चय बुद्धि बोलो क्या विजयंती, ये नहीं निश्चय बुद्धि आधे विजयंती, नहीं निश्चय बुद्धि विजयंती। किस पर विजयंती? अपने संकल्पों पर, अपने माया पर विजयी बनना है, निश्चय बुद्धि है तो सब पर विजय हो। ये नहीं एक सब्जेक्ट में विजयी बनो तो दूसरे सब्जेक्ट में फेल रहो तो उनको कोई पास मार्क्स नहीं मिले। कॉलेज में भी पास मार्क्स मिलती जब सब सब्जेक्ट में मार्क्स हो लेता, तो हमारी भी जो सब्जेक्ट है वो है मनसा वाचा कर्म, भले लौकिक में हो, भले कई जवाबदारियां हो,
परंतु जब पक्का निश्चय किया मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो अगर एक भी कोई रांग कर्म होता, भूल होती, तो पत किसकी गवाते? बाबा के। अरे ये कहते हैं हम तो ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी है, ये देखो उनकी चाल, ये सुनो उनकी रिपोर्ट, तो किसकी रिपोर्ट हो गई? बाप दादा के। तो बाबा के सभी आप बच्चे बैठे हो, अगर हम पूछूं निश्चय बुद्धि हो तो सारे हाथ उठाएंगे हाँ, अगर पूछूं संशय बुद्धि हो तो एक भी हाथ नहीं उठाएंगे। तो निश्चय बुद्धि माना विजय, विजयी माना अपनी स्थिति बाप समान बनाना, बाप समान स्थिति माना ही हम बाबा के समान राकारी साकारी स्थिति। कभी हमने सुना देखा, सुना तो नहीं देखा भी नहीं कि कभी बाबा कहे मेरे पास आज ये माया आई, माया आई। वो तो बाबा एक अब बाबा के पास भी तूफान आते, तो हम कहते थे बाबा आपको कौन सा तूफान आया जरा बताओ, तो मुस्कुराते थे, कोई तूफान ही जो तूफान हो। तो हम बच्चे जब बाबा के पक्के निश्चय वाले हैं तो हम ये कभी भी नहीं संकल्प में भी देखे कि हमारे पास में माया आई और माया ने हमारे पर विजय पाई और हमसे कोई न कोई विक्रम कराया। तो फिर बाबा की जो आज्ञा है निर्विकारी बनो निरंकारी, वो तो नहीं हुए। अगर हमें निराकारी निर्विकारी रहना है तो सूक्ष्म संकल्प में भी माया नहीं आवे, अर्थात तो कोई भी अपौत्र कर्म न हो। अपौत्र कर्म है कुछ भी तो जरूर बुद्धि में संकल्प विकल्प होंगे। अगर संकल्प विकल्प चलते तो वो फिर दूसरों को भी निमित्त बनता है ऐसी व्यर्थ स्थिति में। तो हमें सबको पुरुषार्थ करना है कि कल अगर मेरा शरीर छूटे तो क्या मैं बाप समान बनी हूं? कोई तो बाप समान अर्थात विजयी, बाप समान माना सिर्फ ये नहीं पुरुषार्थी हूं
करती हूँ करता हूँ, नो नो। अगर यही करते रहे तो समर्पण नहीं हुए, अगर यही स्थिति है तो मधुबनवासी नहीं हुए, अगर यही स्थिति है तो बाबा 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 कहने के भी अधिकारी सच्ची नहीं हो। तो हमें तो ये सूक्ष्म चेकिंग करनी है, निराकारी स्थिति बना के व्यर्थ संकल्पों को भी खत्म करना। तब कहा जाता है कि ये विजयी है, न व्यर्थ संकल्प हो, न व्यर्थ वाचा हो, न व्यर्थ साम्या जावे। रोज अपनी दिनचर्या चेक करो, आज मेरे दिन में चाहे बाहर सर्विस की, आने वालों की, चाहे अपनी खुद आत्मा की स्थिति की सर्विस की, कि अपनी आत्मा को भी सवेरे अमृत वेले ऐसी पावर भरी जो वो पावर शक्ति हमारी सारा दिन हमें कार्य में, अनेक कार्य में मदद करे। इसलिए अमृत वेले योग में बैठ बाबा से रोनाण करते प्रेरणा लेनी, शक्ति लेनी। और फिर इस निराकारी स्थिति का दिन भर में बार बार मेहनत करनी, जो बाबा नहीं कहते, हर घंटे सूक्ष्म अपना चार्ट देख। तो कहने का भाव है, हमारे जो भी बाबा के बच्चे बैठे हो, सभी बच्चे हो इस समय, सभी मधुबनवासी हो, चाहे कोई पार्टी में आए हैं, कि सदा बाबा को देखो, सी फादर। भल बाबा साकार में नहीं परंतु आकारी अव्यक्त रूप में तो बाबा सदा हमारे सामने है। जब बाबा सामने है तो माना फरिश्ता स्थिति सामने है, जब फरिश्ता स्थिति सामने है तो स्वयं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ। जब स्वयं फरिश्ता भवन रहेंगे तो दूसरों को भी ऐसी फरिश्ता भवन की स्थिति की प्रेरणा दे। यही संगम की महान घड़िया है, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ करना, जो मुझे देख अनेकों को प्रेरणा मिले। और वो प्रेरणा है हमारे को दुआएं, कहते दुआएं, दुआएं मिलती है हमारे स्थिति को देख दूसरे प्रेरणा, अर्थात दूसरों को भी प्रेरणा मिलती। तो ये है प्रैक्टिकल दुआ। तो मैं सोचती हूँ अमृत वेले से रात तक हर एक से, चाहे
मन वचन कर्म से हमें ऐसा फरिश्ता बनने की दुआएं मिलती रहे तो दृष्टि वृत्ति भी इतनी ही संपन्न बने, जो कल शरीर छूटे तो ये नहीं कि अरे संपन्न तो बने, परंतु स्थिति ऐसी हो जैसे कि हम आज भी बाप समान बने, और बाप समान बनने से प्रेरणा हमें ही आने को। हाँ दादी, हम हमें समझते, बाबा कहते हैं 9 लाख बनाओ, तो अभी भी 6 लाख तो बाबा को बच्चे हैं। तो जब 6 लाख बाबा के बच्चे आज भी है, तो उन 6 लाख के सामने प्रेरणा देने वाले कौन? हम बचे या दूसरे कोई बचे? तो हम बच्चों को बाबा सदैव कहता, ऐसे कर्म करो जो तुम्हें देख इन लाखों को प्रेरणा मिले। तो आप अपने को गृहस्थी नहीं कहो, आप अपने को ऐसे नहीं कि हम तो प्रवृत्ति वाले गृहस्थी, नहीं, बाबा कहा माना गृहस्थी पना पूरा होगा। गृहस्थी कभी नहीं कहेगा मेरा बाबा, भले कहते भले है लेकिन प्रैक्टिकल वो नहीं हुआ मेरा बाबा। मेरा बाबा माना समर्पण, नहीं तो मेरा बाबा नहीं तो दादी का बाबा कहेंगे ऐसे, दादा बाबा मेरा या बाबा दादियों का या मधुबन का? हाँ दादी, बाबा किसका? सभी क्या कहेंगे, हमारा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, या कहेंगे तेरा ही बाबा है मैं नहीं जानता? कहेगा कोई? कहेगा कोई तेरा बाबा? तो मेरा बाबा कहना माना आप सभी बाबा के समर्पण हो गए, और समर्पण बचे निमित्त है एक से अनेकों के लिए, और अनेक हमारे को देख कॉपी करेंगे जब हम अपनी स्थिति निराकारी बनाएंगे, अपनी स्थिति नष्टो मोहा बनाएंगे। अगर नष्टो मोहा नहीं तो समर्पण नहीं, नष्टो मोहा नहीं तो मेरा बाबा अथवा जो आज की मुरली थी प्रभु प्रिय नहीं है। प्रभु प्रिय बनना है तो सदा मेरा मेरा बाबा 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 रटो, अब मेरा बाबा माना है दूसरा ना कोई, जब दूसरा ना कोई तो नष्ट हो। जो नष्टो मोहा नहीं उनको दूसरे है, पोते दोते मार मार है। इसलिए बाबा कहते तन मन धन सब बाबा तेरा मेरा नहीं। तब कहेंगे सभी को मधुबनवासी,
आप सभी चाहे कहाँ भी रहते हो, परंतु सबको पक्का है बुद्धि में कि हम अपने मधुबन घर में जाते, तो मधुबन घर के हो या मधुबन के मेहमान हो, हाँ जो समझते हम तो मधुबन के मेहमान है वो हाथ तो उठाओ। कौन मेहमान है? और जो समझते हम तो सब मधुबन घर के बच्चे हैं, समर्पण वे हाथ उठाओ। देखो पक्का समझ के हाथ उठाओ, मधुबन घर के है समर्पण पक्का पक्का। तो मधुबन घर माना मधुबन में समर्पण, बुद्धि में चाहे कहाँ देश रहो विदेश रहो, परंतु और के कहाँ आते मधुबन, मधुबन ये होगा अभी मधुबन में ऐसे होगा आज बाबा आज ये, बुद्धि में मधुबन घूमता। जैसे लौकिक में कोई विदेश जाता तो उनको अपना परिवार याद आता, और हमारा परिवार है मधुबन, सब आते हो जाते मधुबन, तन मन धन से सेवा करते हो मधुबन। तो ये मधुबन है आप सबका प्यारा घर, इसलिए अगर कोई अच्छा कर्म भी करता तो बाबा अथवा मधुबन का शान हो, अगर कोई गलती भी करता तो मधुबन की बदनामी। इसलिए ऐसा सदैव बुद्धि में रोज सुबह पक्का हो कि हमसे एक मात्र भी ऐसी गलती न हो जो मैं निमित्त बनूं बाबा की बदनामी का। तो उसका पुरुषार्थ ही है कि खुद को संपूर्ण निर्विकारी बनाओ, तब निर्विकारी होंगे। और संपूर्ण निर्विकारी का हर कर्म अकर्म होगा, तब कर्मातीत बनेंगे, तब बाबा के साथ घर चलेंगे। बाबा रोज समय की सूचना देता रहता, इसलिए समय को देख खुद को एवर रेडी भी रखना। ऐसी कोई गलती न हो जो मेरी ये देख दूसरों को भी ये लगे कि मैं कैसा हूं। बाबा ने इतनी सूक्ष्म में हमें सब को सावधानी दी है, जो कहा दृष्टि भी वृत्ति भी अपौत्र नहीं कहा जाता, कर्म तो दूसरा है दृष्टि वृत्ति भी। ऐसे भी नहीं मिसला, दादी को कोई शिकायत करता रिपोर्ट करता कि आज इस भाई ने इस बहन को ऐसी दृष्टि वृत्ति से देखा या हाथ लगाया तो क्या हुआ, रिपोर्ट बदनामी की मिली या बाबा की नाम बाला करने की मिली। तो ब्राह्मणों को तो इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी
सावधानी रहनी है। लौकिक में तो चाहे दुनिया के क्या भी करे, कैसे चले, कैसे रहे, कैसे घूमे, कैसे खाए, वो दुनिया को देखते हैं, रास्तों में तो ऐसे देखते हैं, परंतु हमारी मर्यादा में अंगुली टच करना भी ना टला हुआ, बाकी तो क्या। हमारी मर्यादा में कोई भी एक दो को विक्रम करने की मदद नहीं करे, परंतु विक्रमों से बचाने की मदद करे। इसलिए एक एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ये समझे, मेरी एक छोटी भूल हजारों को नोट हुई। जब कोई को कहो तेरी ये गलती तो बुरा लगता, परंतु ये नहीं सोचते थे मैंने कितना बुरा किया जो मेरे को हजारों ने देखा। इसलिए सब मधुबन वासी बैठे हो तो हमारी खुद के ऊपर सवेरे से रात तक हर कर्म में बहुत सावधानी चाहिए। तब कहीं बाबा कहते हैं सुस्त भी होते तो वो भी अनेकों को सुस्ती नोट होती या वो सुस्त बनती नहीं। इसलिए अभी बाबा ने जो काम दिया है ये निराकारी स्थिति, ये हमारा पुरुषार्थ अंत तक कर्मातीत बनने तक है। एक सेकंड में हम निकल जावे शरीर में, तब बिंदु ज्योति स्थिति बन सकती। बिंदु स्थिति बनाने की हमको सदा ध्यान रखना है। ये भी डेली पुरुषार्थ है और यही सच्ची बठी है। अगर ऐसी निराकारी स्थिति करते जाए तो यही हमारी सच्ची भट्टी। भट्टी का मतलब ही है कि अपने को निराकारी संपन्न स्थिति बन। और यही हमारी स्वयं सर्व की सेवा है। इसलिए भट्टी तो करते परंतु खुद को देखो ऐसी स्थिति बने। दूसरा, हमें एक बात बहुत ही डैडी पिंच होती, कोई आके कहे चाहे खुद कहे क्या करूं मेरा स्वभाव ऐसा है जो दूसरों को दुख मिलता, ये कोई बात है, जवाब है। मेरा स्वभाव ऐसा है जो दूसरों को दुख मिलता है, ये कोई हम बाबा के योगी बच्चों का जवाब है। तू मिले दुख, हमारे मन वचन कर्म से सबको एक शांति मिले, दूसरा पवित्रता की प्रेरणा मिले, तीसरा बाबा का हूँ बाबा की हूँ
ऐसी उनको प्रेरणा मिले। समर्पण है, मैं भी हूँ। चौथा, ऐसी उन सबको मेरे कर्म से कार्य से प्रेरणा मिले तो मैं भी ऐसी पक्की ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बनूं। ऐसी नहीं प्रेरणा मिले भाई कौन बने, अपना दूर रहना ठीक है, बाबा है बस खत्म। नो, अगर कोई मेरे चलन से ऐसा कोई डिस्टर्ब होता तो उसका 100 गुना दंड मुझे देखना पड़ता। एक आत्मा बाबा से दूर होवे और दूर होने का कारण मैं रहूं सूक्ष्म, इस जैसा दंड कोई दूसरा नहीं पाप नहीं। इसलिए सदा ये ध्यान रखे, मुझे अपने मनसा वाचा कर्मणा से दूसरों को प्रेरणा मिले बाबा के समीप आने की, उसकी माला बने। बाबा ने कहा ना, माला के दाने दाने से, तो ऐसी माला बनाओ जो दाना दाने से बनते जाए। अभी कहा विजय माला बन, तो विशेष अब हमारे को आप सबसे मिलने का एक ही शुभ संकल्प रहा है कि हम सभी को अब निराकारी स्थिति बनानी है, जिस निराकारी स्थिति से हम फरिश्ता बने या कर्मातीत बने और हमारे कर्म अकर्म बने न कि कर्म बने, एक एक कर्म अकर्म हो जावे। अभी भी कर्म का हिसाब बने और तो बाबा के बच्चे समर्पण। एक भी ऐसी गलती न हो जिस गलती का 100 गुना दंड फिर रिटर्न में मिले, क्योंकि ज्ञानी के ऊपर 100 गुना दंड हो जाता। इसलिए सदा अपने को ऊंचे ते ऊंची स्थिति पर देखो या अनुभव करो या मेहनत करो, तो साधन है निराकारी स्थिति, ये साधना करो। हमारी यही साधना संपन्न बने तो हम बाबा को ये सीजन की रिपोर्ट करें, जो कहा उसी दिन भी 95% हर एक करे। जो करेगा सो बाबा की रिटर्न में दुआओं का पात्र बने। ओम शांति। आज सतगुरुवार है, सतगुरुवार के दिन सतगुरु बाबा के हम सब बच्चे, वरदाता के वरदानी बच्चे देख रहे हैं कि प्यारे बाबा ने अपने शिव की शक्तियों को, कन्याओं को वरदान देके दिल में एक बाबा दूसरा न कोई
ये पक्का मंत्र पढ़ा है आज आप सभी के सामने ये बहने जो स्टेज पर बैठी है जिन्हों का आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट में इन्हों का नाम ऐसा रजिस्टर है जो भविष्य 21 जन्मों की बात आई और अभी नंबर भी हो गया कि इंटरनेशनल आज ये समारोह है इसमें देश विदेश की बहनें बैठी है और 108 कन्याएं बैठी है। नंबर भी देखो ड्रामा अनुसार फिट 108 बना है और बाबा के गले का विजय वाला भी 108 है। तो आज इस दिन आप सभी इतने हजारों भाई बहने सभी अपनी शुभ भावनाएं शुभकामनाएं इन कन्याओं को दे रहे हैं, साथ साथ खुद को भी ये दृढ़ संकल्प कर रहे हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर कदम कदम रख भाग्य विधाता भाग्य जो दिया है उसको सदा ही हम सामने रख विश्व कल्याण की सेवा में स्वास स्वास सफल करेंगे। ऐसी कन्याओं को देख मुझे तो सभा में आ रहे हैं कहीं हमारी आज इस सभा में कन्याएं आई है वो कन्याएं भी दिली दिल में सोच रही है कि जैसे एक ड्रामा देखा जिसने भी कन्या ने अपना ये बताया कि मेरा तो शिव बाबा से ही सच्ची लगन हो और मैं उनसे ही सच्ची शादी करूंगी वो भी आप लोगों के ही तरह कन्या है और आज उसके भी दिल में संकल्प है कि आज के बाद मैं भी ब्रह्मा कुमारी पक्की बन सेवा में रहेगी। बोलो कन्याएं आप लोगों के भी दिल में अंदर आ रहा है ना कि ऐसी हम श्रेष्ठ कन्याएं बनके ब्रह्मा कुमारी बनके हम भी अपनी ये जीवन शिव बाबा को समर्पण करें। बोलो कन्याएं आ रहा है संकल्प आ रहा है ना। हाँ देखो सारी कन्याएं हाथ हिला रही है हा? और ये आज का दिन विशेष आप कन्याओं के सामने हो रहा है। हाँ हाँ देखो सब कन्या दादी कितने हाथ हिला रही है। हाँ हाँ भाई आज के शुभ पर खूब मुबारक हो बधाइयां हो बधाइयां खूब तालियां बजाओ। पर साथ साथ हमारे कई कुमारों के भी दिल में आ रहे हैं काश हम भी कुमारी होती तो हमारा भी ऐसा समारोह होता। आ रहे हैं ना कुमारों आप लोगों के भी दिल में। अरे कुमार भी तो है तो शिव बाबा के सच्चे सजनिया उनों का भी विशेष प्रोग्राम है ही कब रख लेंगे। अच्छा बाकी तो हमारी आप सभी के तरफ से इन कुमारियों को जो आज सभा के बीच में जिनों के बहुत करके सभी के लौकिक अलौकिक भी परिवार बैठे हैं अलौकिक सेंटर्स वाले लौकिक उनों के परिवार माँ बाप मामा काका मासी बुई सब बैठे हैं उनों को भी विशेष इन कुमारियों का समारोह देख और दिली दिल में जो मंग आ रहा है दिल से कह रहे हैं वाह शिव बाबा वाह वाह हमारी बच्चियां जिनों का इतना वाह वाह भाग्य है ऐसे भाग्यवान बच्चियों को देख उनों के लौकिक को भी बहुत खुशी हो रही है। तो लौकिक को भी आज के दिन विशेष मुबारक हो बधाइयां हो बधाइयां। अच्छा
ओम शांति ओम शांति ओम। आ गई, ठहरो ठहरो, ये उठाओ माइक उठाओ। ताया, दो बातें हैं, एक तो अंत मत हमारी अच्छी हो, बहुत अच्छी, दूसरा बाबा की सब आशाएं पूरी करें।
कोई आशा बाबा की जो आशा है ना हम बच्चों में, हम सब 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 कहते हम करेंगे, बोलो हाँ करेंगे, कहो हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, कौन करेगा। अच्छा दादी बैठो। ओम शांति। दादी ने तो खुशी की बातें सुना दी, अब बाबा कहता ही है कि मुझे बच्चों से इतना प्यार है, इतना प्यार है, जो मेरे से कोई पूछे प्यार क्या होता है। बाबा से पूछे? हाँ। अच्छा, हम बच्चों से पूछे या बाबा से पूछे? अच्छा, हमारा प्यार भगवान को भी ऊपर से नीचे ले आता है, तो प्यार है तब तो भगवान को भी ऊपर से नीचे ले आते। हमारे प्यार ही ले आए ना, हमको याद है पहले पहले कुछ वर्ष पहले वहाँ फॉरेन में कुछ गड़बड़ थी और कई फॉरेनर्स पहुंच गए थे, ऐसी हालत में भी पहुंच गए थे, तो बाबा ने पूछा कि आप किस विमान में आए हो? तो बाबा ने कहा तुमको पता है तुम अपने प्यार के विमान में आए, नहीं तो प्लेन की खिटखिट हो जाती है ना ऐसे टाइम पर। तो बाबा ने कहा आप प्यार के विमान में यहां सेफ पहुंच गए, किसको भी कोई तकलीफ नहीं हुई। तो हमारा प्यार शास्त्रों में भी गायन है, गोपिया और गोपी वल्लभ का प्यार कितना था। तो आज जब दादी ने कहा मैं जा रही हूं तो हमें पांडव भवन का वो दिन याद आया जब बाबा अव्यक्त हुआ था, हम लोगों को फोन पहुंचा था क्योंकि ये तो स्वप्न में भी नहीं था कि बाबा अव्यक्त फरिश्ता बन जाएगा। हम लोग शुरू से छोटेपन से थे तो हमारा एक स्लोगन बना हुआ था, तो हम जब हमारा शरीर छूटेगा तो मधुबन का तट होगा, बाबा मामा सामने होंगे तब प्राण तन से निकलेगा। तो हमको तो यही स्वप्न था, तो ये फिर जब अचानक आवाज सुना बाबा अव्यक्त हो गए, दादी कमाल दादी की थी जो देखते हुए सब कार्य करते हुए बाबा का लास्ट हाथ में हाथ दादी का था। अब सोचो दादी देख रही है हाथ में हाथ है और बाबा अव्यक्त हो गया, तो उस समय की सीन कैसी होंगी। तो हम लोगों को दादी, हम कहे दादी हमारा पेपर तो नहीं लेते हो, हम लोगों को भी फेत नहीं था तो हो सकता है, असंभव लगता था ना। तो सभी को दादी ने जब फोन किया तो दादी को सभी कहने लगे हमारा पेपर ले रही हो क्या, ऐसे कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। दादी को बार बार कहे मैं आपको बता रही हूं ड्रामा में बाबा हमारा अव्यक्त हो गया। तो उसी प्यार के नशे में पता नहीं कैसे पहुंच गई या। तो हमको याद था कि दादी क्योंकि उस समय बाडी रखनी है नहीं रखनी है,
ये भी तो क्वेश्चन था ना, क्योंकि हमारे सभी चाहते थे हम पहुंचे पीछे कुछ भी कार्य करना, तो कितने दिन रखना है। बॉडी को रखा जाता है तो फिर कुछ तैयारी की जाती है ना। तो दादी कहे आप जाओ संदेश में, हम कहे दादी हमारे से बड़े बड़े बुजुर्ग संदेश है, उनको कहो ये बात। तो दादी कहे नहीं आपको जाना है। तो उस समय से लेकर के दादी ने हमारी ड्यूटी लगा दी। तो हमको याद क्या आया, जब दादी ने कहा ना मैं जा रही हूं पांडव भवन में, तो हमको याद आया कि जब बाबा अव्यक्त हुआ था तो बाबा की बाड़ी तो हाल में थी, कमरे से तो सामान वगैरह निकाल लिया था। तो मैं उसी रात जहां बाबा सोता था ना, उसी पर पट में सोई थी। तो हमको सारा रात बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा जैसे सब सामने आता था। तो मुझे आज भी जब दादी ने कहा ना, तो मुझे वो ही सीन याद आई कि जब बाबा अव्यक्त हुआ था तो हम कहां सोए थे। तो मैंने कहा मैं जाऊंगी बाबा के कमरे में, जरूर जाएंगी। तो यहां पहुंच गए, आप सभी मिल गए, कारण बाबा ने याद दिलाई। और हमें याद है कि बाबा हमेशा जब भी पहले दिन गए बाबा से मिलने, अव्यक्त तो हो गए बाबा, बाबा तो अब सूखे वतन में पहुंच गए, हम तो यहीं साकार में थे। तो जब पहले बाबा से मिले सूखे वतन में, तो बाबा एकदम फरिश्ते रूप में हमने पहले बारी देखा, फरिश्ते रूप में। वैसे तो साकार बाबा को देखा था ना, लेकिन बाबा फरिश्ते रूप में हमको दिखाई दिए। तो हम भी नेचुरल है, जब फरिश्ते रूप में मिलन हुआ पहले बारी, तो हमारे भी प्यार के मोती जो है वो निकले। बाबा आप हमको छोड़ के आ गए, और बाबा मुस्कुराए। हम कितना जितना कहें ना, बाबा आपको हम याद नहीं आए। बाबा आप गए लेकिन बता के तो जाते ना, तो बाबा मुस्कुराता रहे और हम बोलते रहे। तो वो सीन सारी जो भी हुआ, संस्कार हुआ, ये हुआ, तो हमारे सामने एकदम सारी सीन आने लगी। तो मैंने दादी को कहा हमको चलना है। वंडर ओवर। मैं दिन में बोला दादी आप ऊपर नहीं आएंगी ऐसे, पर जब शाम को सुना तो मैंने कहा अजब है ये कितना वंडर नहीं है। जैसे ही दादी ने कहा ना, वैसे मुझे ये पूरी सीन उस समय की 18 जनवरी की सारी, जैसे एक कोई पिक्चर बनी हुई होती है ना, तो देख करके होता है ऐसे ऐसे ही लगा। पता नहीं बाबा का कमरा वो सब स्मृति में आए। तो ये स्मृति भी बड़ी चीज है जो आप सब से मिला ली है। और दादी ये पहला बार है जब दादी 18। हाँ वंदा। मैं कभी नहीं आती हूँ, क्योंकि शांतिवन में बाबा को आना होता है ना। लेकिन आज सारी सीन आने से हम वहां रुक नहीं सके। हमारी नीलू बहन बार बार कहे चलना है, चलना है, चलना है। मैंने कहा आज तो जाना ही। दादी दिन में
आपने तो भोजन खाया था, हमने भोजन नहीं खाया था। मैंने कहा मैं दादी गुलजार के पास पहले जाएंगी सबसे मिलके, तो मुझे कहा तो भोजन को दे करो ना, मैं दादी के पास पहले जाएंगी। और आपको देख करके मैं अंदर से आया, बहुत अंदर से आया, मैं दादी जाती हूँ ऊपर। कैसे ये दादी, ये जो आपका और हमारा आपस में स्नेह है ना, जो बाबा ने जोड़ा है ना, कितना सुखदायी है, कितना बाबा सुख देता है। अव्यक्त होकर के हमको अपना अपना तो बनाया है, हमको आपस में एक जो से वाइब्रेशन लेना, ये कितना भाग्य है। मैं आप लोगों के पास आई ना डॉक्टर निर्भय के पास आई ना, तभी आपसे खाना खा, पर मैं कहा दादी के पास जाएंगी, अपने कमरे पास नहीं गई। वो जो हमारा मिलन है ना, कितना अंदर से सुखदाई है। अब मेरे को अंदर था, मैं दादी ऊपर नहीं चलेंगी, ऐसे कहा दादी ऊपर नहीं चलेंगी। तो ये कितना सबको सुख मिला, कितना ये एक अचानक दृश्य जो आपको सामने आया, बाबा का सारा दृश्य है। अभी उनको अनुभव होने लगेगा ना। अच्छा और एक बात बाबा की सुना दो। अच्छा बाबा की आशय की बात दादी कह रही थी, तो बाबा ने कहा था कि मेरी दो आशाएं हैं विशेष। वो कौन सी दो आशाएं हैं? तो दो बताई बाबा ने कि एक तो मैं चाहता हूं कि मेरे समान बनो, और समान बनने से सदा मेरे साथ रहेंगे हम। एक सेकंड भी बाबा के साथ के बिना माना, साथ कैसे रहेंगे? स्थूल नहीं, याद, याद ही हमारा साथ है। और बाबा हमेशा ही ये कहता है कि आपको ये नशा है, निश्चय है कि हम साथ है, साथ चलेंगे परम धाम में। कैसे चलेंगे? अकेले थोड़े हम जाएंगे, और पीछे बराती हो के थोड़ी जाएंगे, हम तो साथी बन के जाएंगे ना बाबा के। तो बाबा समान होंगे। आजकल मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर तो है क्या, लेकिन फिर भी उसको हाथ पकड़ेगा तो कौन पकड़ेगा, ऐसे पोजीशन वाला ना। तो हम भी बाबा के साथ जाएंगे तो बाबा समान तो होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं साथ है, साथ चलेंगे, फिर मैं ब्रह्मा बाबा के साथ आपको अपने राज में भेज दूंगा और मैं रेस्ट करूंगा। शिव बाबा कहते हैं मैं रेस्ट करूंगा, लेकिन आपको ब्रह्मा बाबा के साथ अपने राज में भेज देंगे। और उसमें भी बाबा ने एक बारी बहुत हंसाया था कि जो मेरे साथी है बच्चे, उनकी निशानी क्या है कि ब्रह्मा बाबा का जब पहला जन्म होगा सतयुग का, कृष्ण का, कृष्ण तो अभी कैदे में आता है, नाम तो वहां दूसरे होंगे, लेकिन कृष्ण के साथ पहले जन्म में हम उनके साथ रास करेंगे, करेंगे। दूसरे तीसरे जन्म में आके वो तो कॉमन बात हो जाएंगी, लेकिन पहले जन्म में और श्री कृष्ण के साथ रास करें, ये है हम लोगों का लक्ष्य। और लक्ष्य पूरा जरूर होना ही है, ये नहीं सोचे पता नहीं पता नहीं, नहीं होना ही है। और हम ही थे, हम ही है और हम ही होंगे, ये निश्चय अगर हमारा पक्का है तो यही कोशिश करें कि नए घर में पहले जन्म में पहली आत्मा के साथ रहें, राज में रहेंगे ना।
तो ये है बाबा की। बाबा ने कहा था दो बातें, जैसे दादी ने कहा दो आशय बाबा की है, लेकिन बाबा ने कहा मैं बच्चों से इतना प्यार करता हूँ जो बच्चों की मेहनत मुझे देखी नहीं जाती। जैसे कोई लाडला बच्चा होता और मेहनत करता है थोड़ी भी तो माँ बाप को कितना प्यार आता है, ये तो भगवान है। तो हम जो मेहनत कहते हैं ना, बाबा कहता है मुझे बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। तो हम सब मेहनत करने वाले थोड़े ही है, मोहब्बत करने वाले। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। तो सब पहले जन्म में आएंगे ना कि दूसरे तीसरे? नहीं, रास करेंगे कृष्ण के साथ, घूमेंगे विमान में। हमने तो विमान साक्षात्कार में विमान चला के भी देखा है। बहुत सहज है, एक्सीडेंट तो होना ही नहीं। इसलिए जैसे भी चलाओ, 8-9 साल के बच्चे के रूप में हमने विमान चलाया है, बहुत इजी। तो चलना है ना पहले जन्म में, सब एवर रेडी है। अच्छा, ओम शांति। ऐसे लग रहा है कि सारी रात यहीं बैठे रहे हैं। 10:15 बज रहे हैं, पर लगता नहीं है ना। कितने बजे? 7 ही बजे है नहीं। Thank you.
मैया आ गई। पिता फिर से आया है। ब्रह्मा
विकराल विनाश खड़ा आगे सतयुग में अब तुम्हें आना है धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है।